ये कि जब से इसका आगाज हुआ है और इसकी कारकर्दगी में इजाफा ही देखा जा रहा है, कभी भी हमने डाउनफॉल नहीं देखा है इस इश्यू का और ना कभी हम देखें। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DIG मकसूद बेमन साहब। सर बहुत शुक्रिया आज मुझे आपने वक्त दिया, और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जब इसका क्याम हुआ 2011 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्या वजह थी SSU बनाने की और कैसा आपका ये टाइम पीरियड रहा कि जिस तरह से आप इसको लेकर चल रहे हैं? सबसे पहले वेलकम K21 की टीम को टू SSU हेडक्वार्टर सिक्योरिटी डिवीजन में के अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया हमारी फर्ज को। जहाँ तक इसकी क्याम का ताल्लुक है, तो जब 2000 ये प्री हिस्ट्री इसके हम देखें, तो जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की बात होती है तो उस वक्त वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के, उनके उनके वर्क इन्वायरमेंट, उनकी पे पैकेजेस। तो सिंध पुलिस या पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ओथ लिया तो जो सिविलियन प्रोटेक्शन की सारी जिम्मेदारी उन पे आ गई। उस वक्त ये जितनी भी डिप्लॉयमेंट थी वो इतनी ट्रेंड नहीं थी और इतना वेल इक्विप नहीं थी। तो उस हवाले से जब हमने इस पे काम किया तो हमने कहा कि अगर आपने इस लेवल की सिक्योरिटी करनी है और इस तरीके की सेंसिटिव ड्यूटीज करनी है तो उसके लिए आपको हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स चाहिए जिनकी मोटिवेशन बेहतर हो, जिनकी पे पैकेजेस बेहतर हो, जिनकी ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे की हो। उसके बाद जाके आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकेंगे अपने मुल्क के अंदर अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को। तो उस चीज को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में इस यूनिट के क्याम का अप्रूवल मिला। और इस उस वक्त से लेके अभी तक आप देख रहे हैं, जब से ये बना है, शुरू में तो हम उस वक्त जब शुरू किया था तो 1300 की नफरी थी जिसकी अप्रूवल हुई थी। जी नाजी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर डिपार्टमेंट में लेकर जाऊंगा और कोर्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, और यहाँ पर सारे वेपन्स जो भी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सारे वेपन्स यहाँ पर मौजूद हैं। आइए यहाँ के इंचार्ज से भी आपकी बात कराएंगे और ये भी देखेंगे कि ये वेपन्स इस्तेमाल कैसे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो ये यहाँ पे कोर्ट के इंचार्ज हैं फैसल साहब, आप आज इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये इस डिपार्टमेंट का खास काम क्या है। फैसल साहब, पहले तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं आप यूनिफॉर्म के अंदर, और जानना चाहूंगा इस डिपार्टमेंट की खासियत कि इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से वेपन्स हमारे पास मौजूद हैं और उन वेपन्स का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो आपको हम खुश आमदेद कहते हैं बिलाल भाई, माशाल्लाह आप भी किसी हमसे कम नहीं लग रहे, जैसे आप हमारे यूनिट के हिस्से हैं आज, तो यानी कोई फर्क नहीं है। मुख्तलिफ हमारे पास वेपन्स हैं, मैं आपको एक एक चीज़ की डिटेल बताता हूँ जो मुख्तलिफ हमारे पास बड़े हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लास्ट वाला है वो है, इससे स्टार्ट करते हैं ना, ये वाले वेपन से स्टार्ट करते हैं। ये जो वेपन, इसका नाम क्या कहलाता है? ये LR2 कहलाता है, मेड बाय चाइना है। ये 12.7 कैलिबर है इसका, ये स्नाइपर है। अच्छा। ये लॉन्ग रेंज स्नाइपर है इसकी, जो वो जो हम स्नाइपर्स देखते हैं बिल्डिंग्स पे खड़े होते हैं, बिल्डिंग्स ये वही वेपन है। ये यानी एक सौ स्नाइपर होता है कि आप किसी यानी ड्यूटी पे, बिल्डिंग्स पे होते हैं, मोहर्रम के जुलूस पे आप देखते हैं, तो वो कम कैलिबर वाला होता है। ये जो स्नाइपर है 12.7 बेसिकली ये एंटी बंकर और एंटी डकैत के जो बंकर्स बने होते हैं, जो उनकी मोर्चे बने होते हैं, उसको तबाह करने के लिए यूज होता है। ये हैवी कैलिबर है 12.7। इसकी ट्रेनिंग भी अलग से होती होगी? बिल्कुल जी, ये बेसिकली सिविल फोर्सेस में, पुलिस के पास पाकिस्तान में, आर्मी के पास SSU के पास है, और इसकी ट्रेनिंग भी हमने आर्मी से ली हुई है, हमारी लेडीज कमांडोज ने भी ली हुई है, मेल कमांडोज ने भी ली हुई है। तो इसकी जो मैं बताना चाहता हूँ, जो इसकी इफेक्टिव रेंज है वो 155 किलोमीटर यानी 1500 डेढ़ किलोमीटर तक आप दुश्मन को इसको इजी एंगेज निशाना जाके लग सकता है वहाँ पे। अच्छा, इस पर आ जाते हैं सेकंड वेपन जो है इसकी, स्लाइटली जो है वो पीछे से ये थोड़ा सा लाइट है लग रहा है, वो तो काफी हैवी लग रहा है, ये क्या नाम है इस वेपन का? ये बेसिकली नई चीज आई है हमारे पास, ये PUFY ने बनाई है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाई है। ये इसका नाम है DMR MK1। ठीक है, ये स्पेशली जो है वो स्नाइपर राइफल जो निशानेबाज के लिए बनाई गई है। ये 7.62 कैलिबर का है, ये लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल कहलाती है, वो जो है ये शॉर्ट रेंज कहलाती है, वो लॉन्ग रेंज कहलाती है। इसकी जो रेंज है वो 600 मीटर इफेक्टिव रेंज है, और ये जो आपने पहले आपने जिक्र किया कि बिल्डिंग्स पे वगैरह, तो वो यही हमारे कमांडोज
यूज करते हैं। सही, अच्छा अब आगे बढ़ जाते हैं, ये थोड़ा सा और स्लाइटली चेंज है, ये मैंने गलबन देखा हुआ है ये वाला वेपन, ये इसका नाम क्या है? ये जाना पहचाना वेपन है, इसके मैंने इसके मॉडल भी रखा हुआ है, इसका जो पुराना वर्जन। अच्छा ये नाजिम, ये पुराना मॉडल है, मेरे कैमरा मैन अगर मुझे इसको दिखाएं क्लोज करके, ये पुराना मॉडल है और ये नया मॉडल है, ये किस लिए यूज होता है? AK-47 है। अच्छा जी नाजीन, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगा फैजल साहब, AK-47 का नाम आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, AK-47 तो ये यहाँ पर आपके सामने AK-47 का नया मॉडल भी रखा हुआ है और पुराना मॉडल भी रखा हुआ है। इसी को हमने बेसिकली हमने मॉडिफाई कर दिया है, जैसे आपके सामने पड़ा है, आप पहचान नहीं पाएंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो इसको हमने जो है बेसिकली डिटेक्टेबल बट स्टॉप लगाया है, ये आप देख सकते हैं, ताकि आपको कार कमांड अपनी बॉडी के हिसाब से उसको फिक्स करके उठा सके। हैंड ग्रिप लगाई है, प्लास्टिक बाइपॉड लगा दिया है, ये रेल लगा दी है, ताकि हम इसमें मुख्तलिफ डिवाइस माउंट कर सकें, जैसे आप ये आप इस पे देख रहे हैं होलोग्राफिक साइट लगा हुआ है। ठीक है, ये इस पे हम जो है इसको ये वेपन मैं पकड़ लेता हूँ और आप सारी ब्रीफिंग दें। जैसे आप इसकी शूटिंग रेंज कितनी है? इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो 400 मीटर से 400 मीटर से इट्स क्वाइट इनफ। इसकी 7.62 कैलिबर है। ठीक है जी, ये आप देखिए नाजिम, ये हमारे पास आ गया AK-47, ये जो वेपन है इसके बाद ये जो सेकंड लास्ट है, ये कौन सा वेपन है? ये जो है अमेरिकन है, इसे M4 कहते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के बाद SSG ग्रुप के बाद सिविल फोर्सेज में SSU के पास है। मतलब हमारे कमांडो दुनिया भर में किसी से पीछे नहीं है, जो वेपन्स यूज किए जा रहे हैं इस वक्त, तो आप जो क्वालिटीज बता रहे हैं ये दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। ये नेटो कैलिबर कहलाता है बेसिकली 5.56। ठीक है, जो भी नेटो फोर्सेज हैं, जो नेटो फोर्सेज आती हैं, वो ये कैलिबर यूज कर रही है और M4 यूज कर रहे हैं, उसके बाद यानी पाकिस्तान में सिविल फोर्सेज में यानी पुलिस में SSU यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी तरफ, ये स्लाइटली आगे से जो है वो ड्रिल डाउन भी हुआ हुआ है और ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, ये किस लिए यूज होता है, क्या नाम है इसका? ये बेसिकली PFI कार्बन शॉट गन है, PFI कहते हैं इसको, ये PF मेड है, इसमें आगे 9mm ग्लॉक पिस्टल लगी हुई है। अच्छा, ये कार्बन शॉट गन कहलाती है। ठीक है, ये स्पेशली किस चीज के लिए यूज होती है? ये क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए यूज होता है, नाइट ऑपरेशन के लिए, इसमें टॉर्क दी गई है, लेजर दी गई है, और ये मूवेबल है। जैसे आप किसी रूम में एंट्री कर रहे हैं या कहीं आप दहशतगर्द यानी ऑपरेशन में जा रहे हैं, अपने आप को हाइड करके आप दुश्मन को आराम से कैमरा में देख सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर सारा विजन दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये टारगेट कर रहा है, ये दीवार है, जैसे मैंने अपने आप को हाइड कर दिया और ये आपका पूरा यानी आपको दुश्मन नजर आ रहा है और आपको इजीली आप इसको टारगेट लाइक ये सिर्फ स्ट्रेट फायर नहीं कर सकता बल्कि ये 180 डिग्री के ऊपर तमाम जगहों पर फायर कर सकता है। तीनों यानी इस पे सेनेटर में। तो नाजिर आपने देखा, ये पहली दफा मैंने जिंदगी में देखा है ऐसा वेपन, ऑब्वियसली जिस तरह से पहली दफा यूनिफॉर्म वेयर किया है, तो ये वेपन इसकी खासियत ये कि आप स्ट्रेट फायर भी नहीं कर सकते बल्कि स्ट्रेट फायर के साथ साथ आप अपने अराउंड में सराउंडिंग्स में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड भी मुड़ जाता है, तो दोनों जाने पर आप तो फायर कर सकते हैं। अब ये आ जाता है, ये मेरा फेवरेट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ग्लॉक है, क्या है ये? जी ये ग्लॉक 17 है। ये जो आप लोगों ने सुना होगा ग्लॉक, तो ये जो है ये ग्लॉक हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके नीचे जो है वो ये टॉर्च भी लगी हुई है, तो ये क्या इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये जो है ये भी नेटो कैलिबर का है, ये नेटो फोर्स यूज करती है, ये भी मेड बाय यूएस है, 9mm कैलिबर है इसका, ये ग्लॉक 17 है, इसमें हमने टॉर्च और लेजर हमने माउंट की है ताकि हम जो हमारे क्लोज कॉम्पैक्ट और नाइट ऑपरेशन होते हैं उसमें वो काफी मदद। अच्छा, ये बाकायदा जो है वो यहाँ देखें ना जी, अगर आप यहाँ देखें तो ये लेजर लाइट भी यहाँ पर मौजूद है और साथ साथ टॉर्च भी मौजूद है कि नाइट विजन के लिए भी कारामा साबित हो सकती है, तो ये हमारे कमांडोज के पास ये ऑपरेशंस पर होती है, सेकेंडरी वेपन के तौर पे हर कमांडो के पास मौजूद होता है। ठीक है, वेरी नाइस। और मैं चाहूंगा ये जो इतने सारे आपके साथ वेपन्स यहाँ पर लगे हुए हैं, थोड़ा सा इनके भी ब्रीफ में डिटेल चाहूंगा, ये वही वेपन्स है? जी वही है, जो हमारे बहुत सारे क्वांटिटी है हमारे पास, तो ये काफी इशू भी हो गए हैं जो। अच्छा, ये स्पेशली किसी जब ऑपरेशन पे जाते हैं तो ये अलॉट किए जाते हैं कमांडोज को? यानी 24/7 इन अ वीक, आपने हमारी स्वाट टीम देखी होगी, बिल्कुल 4 आवर अलर्ट होती है। कमांडो ट्रेनिंग कोई आम मामूली बात नहीं है, ये ऑब्वियसली एक खास किस्म की ट्रेनिंग होती है। इन कमांडोज को कैसे ट्रेन किया जाता है आपके इस हेड क्वार्टर के अंदर, कि एक लड़का आता है उसको रिक्रूट किया जाता है, उसकी क्वालिटीज को इनहेंस किया जाता है, फिर ग्रूमिंग्स होती हैं, फिर उसको इस काबिल बनाया जाता है कि वो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए वो कमांडो, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं यहाँ पर,
जो उसको उन ट्रेनिंग से गुजारा जाता है कमांडो को? कमांडो बनने के लिए आपको एक डिफरेंट किस्म की मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, जरूरी नहीं है कि आप कमांडो बनने के लायक हो, तो उसके लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। अच्छा। तमाम अफसर पे और जवान पे कि वो इस उसका उस तरफ रुझान है भी कि नहीं है। 6 फुट का बंदा है और अगर जहन में उसकी शिद्दत पसंदी है या कोई फिरका वारियत के खिलाफ, कोई किसी फिरके के खिलाफ या इवन विद इन कंट्री में अगर आप अपने मुल्क के खिलाफ कोई चीज़ सोचते हैं, वो चीज़ सामने आ जाती है, फिर हम उसको इस चीज़ की तरफ नहीं लेके आते। सही। तो इन तमाम टेस्ट के बाद जब वो क्वालिफाई करता है, इनिशियली जब हमारी रिक्रूटमेंट होती है वो सारी मेरिट पे होती है, और उसके अंदर जो भी लोग आते हैं वो अपने दम पे सारी चीज़ें क्वालिफाई करते हैं, और जो उनके टॉप के जो नंबर्स लेते हैं सिर्फ उनको हम अपॉइंटमेंट ऑर्डर देते हैं। जब वो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उनकी 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग होती है कमांडो की। अच्छा। वो जब वो यही करवाई जाती है? वो रज़ाकबाद के अंदर जो हमारा कमांडो एलीट ट्रेनिंग सेंटर है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो रज़ाकबाद ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे हम उनको 1 साल के लिए ट्रेन करते हैं। उनको लॉ के बारे में, उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में, फिजिकल फिटनेस और सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जब वहाँ से वो ज्वाइन करते हैं SSU को, उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान आर्मी और नेवी के जो SSC के यूनिट्स हैं उनके साथ मिलके हम उनको फर्दर ट्रेन करते हैं। राजीव, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हैवी कैलिबर गन क्या होती है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास हैवी कैलिबर गन जो है ये यहाँ पर मौजूद है, और इसका इस्तेमाल क्या होता है ऑब्वियसली ये आप लोगों ने नहीं देखी होंगी। वो चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारे जो जवान हैं, जिस तरह से मेहनत करते हैं और शहादत भी नोश पाते हैं और शहादत भी होती है, और जिस तरह से ये अपनी हक हलाल की कमाई और वतन की मिट्टी के ऊपर जाने कुर्बान करते हैं, तो ये वो वेपन्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं। तो फैसल साहब, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, क्या नाम बताया आपने? ये एंटी एयरक्राफ्ट गन 12.7 कहलाती है, मशीन गन कहलाती है। ये आर्मी जो है वो सिविल डिफेंस वाले एज एंटी एयरक्राफ्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है। SSU में जो है सिविल फोर्स में हम इसको एंटी डकैत ऑपरेशन, जो हमारे इंटीरियर में कच्चा कह रही है जहाँ हमारा दुश्मन बहुत दूर है, वहाँ पहले ऐसा होता था कि हमारे पास पुलिस के पास ऐसे वेपन नहीं होते थे कि हम उन तक पहुँच सकें। सही। उनके पास उसके इससे ज़्यादा हैवी वेपन होते थे, लेकिन अब हमारे पास भी ऐसे वेपन मौजूद हैं कि हम मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि चित कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी वेपन्स भी है, हम हमारे बंदे भी ट्रेंड हैं इसके लिए। इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर दूर ये लगी हो ये मशीन, तो आप निशाने पर जो है वो निशाना लगा सकते हैं। यानी इसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? ये बेसिकली सिविल फोर्सेस में तो इसकी ट्रेनिंग नहीं होती। ठीक है। ये हम इसकी ट्रेनिंग के लिए भी हम मेल कमांडोज और फीमेल कमांडोज आर्मी के पास गए थे। फीमेल कमांडोज भी इस्तेमाल करती हैं ये इस्तेमाल किया, उन्होंने फायर भी किया बाकायदा। अच्छा। मैं चाहूंगा एक दफा फिर हमारे कैमरामैन यहाँ पर ये पूरा इस चीज को विजुलाइज करें और दिखाएं ये कि इसकी खूबसूरती देखें आप। ये अपने 3 स्टैंड्स के ऊपर ये इस तरह से खड़ी हुई है मशीन, और इसकी 4.5 किलोमीटर जो है वो रेंज है। प्रोफेसर साहब, आपने कभी इस्तेमाल किया ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी ये आर्मी में कोर्स किया है इसका। इसका हमने फायर किया था क्वार्टर रेंज में, जामशोरों के पीछे पहाड़ों में। अच्छा। ये किसी और एरिया में फायर नहीं करती, जहाँ नो फ्लाई जोन हो तो इसका फायर वहाँ होता है। सही। तो ये किसी ये व्हीकल के ऊपर फिट की जाती है, रखी जमीन पर रखी जाती है, क्या किया जाता है? सवाट में जब सवाटी में देखेंगे उधर व्हीकल है हमारी मौजूद होती है, जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम इसको फिट करके और हम ऑपरेशन पे निकल जाते हैं। सही, वेरी गुड। अच्छा, मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो वेपन्स हमारे पास मौजूद हैं, ये वेपन्स जो है ये देखें नाज़रीन, ये बड़ा खूबसूरत वेपन है, और इसका जो है वो कैमोफ्लाज आर्मी ग्रीन कलर है, ये आप देख सकते हैं। ये क्या चीज़ है इसके आगे? मेरे ख्याल ये नाइफ भी लगी हुई है। ये बड़ी जानी पहचानी चीज़ है, ये G3 है, आप तो जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ ताकि उनको पता चले कि जो नाम ये सुनते हैं आज ये देख भी लें। नाज़रीन देखें, ये G3 मैंने इस वक्त हाथ में पकड़ी हुई है। इसका काम क्या, इसकी रेंज कितनी है? इसकी जो रेंज है वो 600 मीटर है, इफेक्टिव रेंज है इसकी। कुल रेंज है इसकी वो 3000 मीटर है। ये यानी कच्चा एरिया में और बॉर्डर एरिया में आर्मी ज़्यादा यूज़ करती है। हमारे पास भी है, ताकि हमारे पास भी ऐसे सिनेरियो ऐसे आ जाती है जो ताकि हम इसको यूज़ करते हैं। ये सामने आप जो वेपन देख रहे हैं, ये सेक्शन बना हुआ है, ये हमारा एंटी राइड सेक्शन कहलाता है। इसमें 12 बोर जो है हमारे पास, 2 क्वालिटीज की है, एक ग्लेडियस है, टर्किश है, ठीक है, मोतबर अगर अमेरिकन है,
ये इसमें बेसिकली हम एंटी राइट यूज करते हैं, जहाँ मॉब वगैरह या जान वगैरह होते हैं उनको यानी मुंतशर करने के लिए इसमें रबर बुलेट्स वगैरह यूज करते हैं, उसके लिए ये गन्स। इसका स्पेशली नाम क्या कहलाता है? ये जो आपने पकड़ी हुई है ये बेसिकली बैलिस्टिक शीट कहलाती है। ठीक है, ये बुलेट प्रूफ है। ठीक है, जो भी हमारे ट्रूप्स जो है ऑपरेशन में मूविंग करते हैं या आगे आगे जो इसको यूं करके पकड़ा जाता है ना, पकड़ा या छुपा जाता है इसके आगे जो। नाज़रीन आपने देखा होगा, नाज़रीन ये देखें आप, सिर्फ आंखें यहाँ से जो है वो मेरी नजर आ रही होंगी क्योंकि ये विजन के लिए होता है और साथ साथ ये इसको रेजिस्टेंस के लिए रखा जाता है ताकि जब फायरिंग हो रही हो तो ये बुलेट प्रूफ होता है। तो इसको जब मजामत करनी होती है, जो ऑपरेशन पे जाते हैं या भूकंपट कार्रवाई होती है, किसी ऑपरेशन में जाना होता है, जो लीड करता है बंदा आगे आगे वो उसको थामे होता है और पूरी टीम उसके बैक पे पीछे होती है और वो कार्रवाई करती है। सही, वेरी गुड। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी मजेदार चीज है जो मैं आपको नाज़रीन दिखाना चाह रहा हूँ कि ये चीजें आपने पहले नहीं देखी होंगी कभी। फैज़ल साहब, ये कौन सी जो है वो गन है, ये क्या कहलाती है? वो रॉकेट लॉन्चर जी इस... यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, आगे रॉकेट लगता है, ये लॉन्चर है हमारी फोर्स ऐसे मुख्तलिफ सिनेरियो में जाती है, कच्चा के कोई ऐसे मसले आ जाते हैं तो उस जगह के लिए हम ये वेपन यूज करते हैं। तो नाज़रीन आपने देखा कि ये हम कोर्ट ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स हैं। अच्छा, ये बुलेट प्रूफ जैकेट रखी हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना? जी, ये बुलेट प्रूफ जैकेट। इस तरफ भी आएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो फैसल साहब यहाँ पर इंचार्ज हैं, तमाम चीजों को यहाँ पर रूल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कमांड यहाँ पर होती है। अभी हमारे सामने पूरा जो यूनिट है वो आकर वेपन्स भी लेता जा रहा है, तो उन चीजों को भी मैनेज करते हुए आज इनके पास सामान लेकर जा रहे हैं लोग। जी, ये बेसिकली लेवल 3 की बुलेट प्रूफ जैकेट कहलाती है। ये जो हम हमारे जो कमांडो हैं, लेडीज कमांडो या मेल कमांडो, ये इसको वेयर करते हैं और मुख्तलिफ ड्यूटीज पे जाते हैं। इसका जो यानी प्रोटेक्शन लेवल है ये आपको 9mm और जो है 7.62 कैलिबर से प्रोटेक्ट करती है और उसका जो वेट है वो 7.5 kg है। अच्छा, मतलब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर एक कमांडो पूरे अपने लिबास के अंदर अगर हो तो वो उसका वेट कितना होता है, जो पूरे यूनिफॉर्म का वेट होता है इंक्लूडिंग दिस बुलेट प्रूफ जैकेट? जो बंदा वेयर करता है वो 7.5 kg की जैकेट होती है उसके पास, और 5 kg तक उसका केजी का उसका वेपन होता है। ठीक है, उसके बाद 2.5 kg की जो है बुलेट प्रूफ हेलमेट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, हेलमेट के बारे में हम जानेंगे कि ये हेलमेट जो आपने देखा होगा पहने होते कमांडोज वो किस तरह से वेयर किए जाते हैं, मैं भी वेयर करके दिखाऊंगा आपको, और अगर वेयर नहीं किया तो आपको दिखा देते कि ये किन शेल्फ में रखे हुए हैं। मैं उनको मिला के जो है ना तकरीबन एक कमांडो हमारा 14 से 15 kg वेट जो है वो वेयर अप को उठा के और ड्यूटी पे जाता है। एक उसका वेट, फिर उसके ऊपर 14-15 kg का वेट, और फिर उसके बाद इतनी फुर्ती, ये सिर्फ एसएसयू कमांडोज ही कर सकते हैं। No one can do that. अच्छा, ये पूरी डमी है, इस तरह से आप देखें, ये फीमेल कमांडो की एक डमी हमारे पास मौजूद है। फैज़ल साहब जरा आप मेरे पास आ जाएं तो ताकि मैं ब्रीफ ले लूं आपसे कि क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें जो है इस यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद है। ये बेसिकली बुलेट प्रूफ नहीं है, ये एंटी राइट जो मैंने आपको सेक्शन दिखाया उसकी ये गियर है। तो गियर है, ये मुख्तलिफ जो है एंटी राइट हेलमेट्स है, एंटी राइट जैकेट है, ये बैटन है, ये जो है एंटी राइट शीट है, जो यानी शोल्डर से लेके और एंकल तक और नी तक ये तमाम पैड्स लगाए हुए हैं। ये बुलेट प्रूफ होते हैं? नहीं, ये बुलेट प्रूफ नहीं है, जैसे ये एंटी राइट जैसे ठीक है, ठीक है, कोई पत्थर फेंकता है वो उसके लिए ये प्रोटेक्ट है। ठीक है, ये भी ऑब्वियसली बुलेट प्रूफ नहीं होती, वो हमने दूसरी बुलेट प्रूफ जैकेट देखी। तो नाज़रीन आपने देखा कि कोर्ट ऑफिस के अंदर ये तमाम वेपन्स हैं, तमाम चीजें मौजूद हैं। इसी तरह और भी डिपार्टमेंट्स हैं, और भी मजेदार जगह हैं, वहां पर भी आपको लेके जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आपने इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपने चैनल चेंज नहीं करना क्योंकि मैं वक्फा ले रहा हूँ, कमर्शियल ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे एसएससी यूनिट का विजिट भी कराएंगे। इतना बड़ा इस वक्त ये यूनिट है, हेडक्वार्टर है एसएसयू स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं जो क्राइसिस मैनेजमेंट का ये डिपार्टमेंट है, और किस तरह से शूटिंग रेंज है, जो शूटिंग रेंज के बारे में आपने सुना होगा, तो शूटिंग कैसे होती है, कैसे ट्रेनिंग कराई जाती है और स्केटिंग कैसे होती है, तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। आइए अंदर का विजिट आपको करवाते हैं।
जी नासिर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शूटिंग रेंज ये वो एरिया है और यहाँ के इंचार्ज से, यहाँ के कमांडर से हम इस वक्त बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त शबीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं तो मैं कहूंगा आप बड़ा ग्रेसफुल इस यूनिफॉर्म के अंदर लग रहा है। आपकी पूरी टीम यहाँ पर जो खड़ी हुई है, मैं सबको जो है वो सैल्यूट पेश करना चाहूंगा, जिस तरह से आप लोग ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। मैं थोड़ा सा डिपार्टमेंट के हवाले से जानना चाहूंगा कि क्या क्वालिटीज हैं, क्योंकि मैंने बड़ा सुना जब यहाँ पर मैं आया तो मुझे खास तौर पर कहा गया कि आपने अगर शूटिंग रेंज को अगर आपने विजिट नहीं किया तो आपने प्रोग्राम ही नहीं किया। जी बिस्मिल्लाह, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, स्पेशली एसएसयू में, कि हमारे पास इंडोर शूटिंग रेंज मौजूद है, जो कि शायद पाकिस्तान में अपने नवायत की पहली इंडोर शूटिंग रेंज है पुलिस के हवाले से। हम यहाँ पर जो हमारे एसएसयू के जो कमांडोज हैं उन्हें भी ट्रेन करते हैं। इसके अलावा हमने एक और प्रोग्राम ये डिजाइन किया है हमारे डीआईजी सिक्योरिटी मकसूद अहमद साहब की हिदायत पे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ डिफेंस एंड फायर आर्म सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम। मतलब ये जो इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल है, चोरी डकैती होती नजर आती है, फिर हरासमेंट केसेस हैं, फिर आपने देखा लाहौर मोटरवे के ऊपर भी एक इंसिडेंट हुआ जिस शर्मनाक सूरत हाल थी, तो इन तमाम चीजों से निमटने के लिए मैंने अभी तक किसी डिपार्टमेंट में ऐसी चीज नहीं सुनी। सेमिनार्स अटेंड करता रहा हूं, तो सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है नौजवानों को? जी बिल्कुल, हमारा ये एक दिन का प्रोग्राम है जो कि सैटरडे को हम ऑर्गेनाइज करते हैं 9 to 4। इसमें फर्स्ट हाफ में हमें सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाते हैं और उसके बाद सेकंड हाफ में हम फायरआर्म्स वेपन अवेयरनेस सेफ्टी और उसके बाद लाइव फायर भी करवाते हैं। अच्छा, और मैं चाहूंगा ये आपकी टीम खड़ी हुई है, इसका भी जरा तारुफ कराएंगे, क्या स्पेशलिटीज हैं, कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लीड करते हैं, क्या इनकी जो है क्वालिटीज हैं? ये मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है और ये इंटरनेशनल शूटर्स हैं हमारे, इंटरनेशनल जो कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, मेडलिस्ट हैं, इनके अचीवमेंट आपको नीचे जब रेंज पर ले आऊंगा उनके मेडल्स भी हैं। अब्दुल्ला खान हमारे इंटरनेशनल शूटर हैं और हमारी शूटिंग टीम का हिस्सा है अब्दुल शकूर, आईटीपी के इंटरनेशनल शूटर्स हैं मैसूर चौधरी शबीर और बख्तावर भट्टी हमारी फीमेल कमांडो। जी, ये फीमेल कमांडो को भी आप थोड़ा सा जो फोकस करें, कहते हैं ना कि लड़कियां कमजोर होती हैं, यहाँ अभी आपको सारी कमजोरी दूर हो जाएगी जब आप इस डिपार्टमेंट में आते हैं, और ये हमारी इस तरह बहनें जिस तरह से ये कमांडो है और ट्रेंड कमांडो है, तो ये भी भाई से फख्र है, मुल्क का फख्र है, और ऐसा ही होना चाहिए लड़कियों को। सर क्या कहेंगे आप इस बारे में? और हमारी इंटरनेशनल शूटर है, बहुत सारे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किए और मेडल जीते इन्होंने, और इसके अलावा हमारी जो शूटिंग ट्रेनिंग टीम है उसका ये हिस्सा है। ठीक है, सलीम यही साहब हमारे सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर हैं, माशाल्लाह ये बहुत नेशनल लेवल के हमारे इंस्ट्रक्टर हैं। स्पेशली जो है वो क्लासेस होती है उनको भी ग्रूम किया जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है? जो रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया तमाम के लिए बराबर है, माइनस कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि नेचुरली फीमेल के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होता है, मगर ट्रेनिंग दोनों की बराबर होती है। अच्छा, ट्रेनिंग में जितने भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी उनकी फिजिकल की फिटनेस के टेस्ट होते हैं, दोनों के बराबर होते हैं, और उसमें लड़कियां बल्कि लड़कों से बेहतर इन जगहों पर परफॉर्म कर रही हैं। उनमें से कुछ हमारी बेस्ट शूटर्स बनती हैं उसी बैच में, के उनकी शूटिंग टेक्निक्स ज़्यादा बेहतर होती हैं, फिर उनको फर्दर हम पॉलिश करके उन्होंने आगे मुकाबलों में हिस्सा लिया है और मेडल्स जीते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग के थ्रू करवाते रहते हैं। और जहाँ तक यूनिफॉर्म की बात है, तो ये मैं एक मुझे एक अच्छा फील हुआ कि यू फील प्राउड बाय पुटिंग ऑन दिस यूनिफॉर्म, और ये जो प्राइड है ये हमने हर एक लेडी कमांडो हो या चाहे मेल कमांडो, हमने उस उनमें डाली है। सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और पब्लिक के लिए अपनी जान देने के लिए भी हमने उनको तैयार किया है। जी, तो इस वक्त मेरे साथ इंचार्ज मौजूद है और मेरे अकब में कैमरामैन के मेरे सामने और कैमरामैन के अकब में जो है वो इस वक्त मार्शल आर्ट्स की क्लास चल रही है, और फीमेल कमांडोज जो है वो मार्शल आर्ट्स की क्लास से जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। तो हम इस वक्त इंचार्ज साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्लास चल रही है, मैं चाहूंगा पहले वहां पे चले, वहां पे चल के बात करें, वहां तक आप हमें लेके जाए। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि मुझे भी कहीं ना कहीं किक लग जाएगी, क्योंकि कमांडर साहब ने जो है वो बिल्कुल जो इस वक्त ट्रेनर है वो नहीं रुक रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल करा दें, उसके बाद फिर हम बात कर लें, ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं किक लग जाए। तो सर, ये जो इस वक्त क्लास चल रही है फीमेल कमांडोज की, एक तासुर जाता है कि लड़कियाँ जो है वो कमजोर होती है, लेकिन यहाँ पर सारी कमजोरी दूर कर दी जाती है, क्या कहेंगे इस क्लास के वाले से? सर
एक्चुअली तो वैसे ही माशाल्लाह ये हमारी एसएसयू की कमांडोज हैं, तो ऑलरेडी ये ट्रेन है हर चीज से, मामले में वेपन से फिजिकल। इनको इस वक्त जो है मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके अंदर बॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, तमाम मिक्स जो है, जिसको आजकल एडवांस जो नाम दिया गया है एमएमए का। आपकी जो पूरी टीम है यहाँ पर जो सिखाते हैं दोनों इंस्ट्रक्टर्स, उनसे भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। तो ये इस वक्त आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो यहाँ पर कराए जा रहे हैं? मेन जो है वुमेन सेल्फ डिफेंस है, और दूसरा आर्म सेफ्टी, आर्म जो हमारा शूटिंग का है उसके अवेयरनेस के बारे में प्रोग्राम हो रहा है। और हमारे बड़े साथी काविश है कि ताकि जो हमारे यूथ है, जो हमारे खिलाड़ी और लोग हैं, जो उस्ताद लोग हैं, वो आगे बेटरमेंट के लिए काम करें, लोगों को सिखाएं। जैसे कि हमारी अभी लेडी कमांडो है, इनको सेल्फ डिफेंस के बारे में तरबियत दी जा रही है। वुमेन टीजिंग का मामला बहुत होता है हमारे यहाँ, वुमेन का हैरेसमेंट केसेस बड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, इसी के लिए वो ट्रेनिंग है। उसी के लिए उनको वो टैक्टिक्स सिखाई जा रही है और ट्रेनिंग दी जा रही है कि अपने जब तक हाथ और अदब आपके जोड़ ज्यादा मजबूत नहीं होंगे तब आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, एक और ट्रेनर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप भी यही क्लासेस लेते हैं, कोई और स्पेशल चीज यहाँ पर सिखाते हैं? यहाँ पे स्पेशल हम सेल्फ डिफेंस के हवाले से यहाँ पे इनकी क्लासें होती है, ताकि जब भी कोई मसला हो या अपने आप के बचाव के लिए जो इत्यादी तदाबीर होती है, टेक्निक्स यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे हम सिखाते हैं। ये वो एक फ्लाइंग किक मैंने सुना था कि फ्लाइंग किक होती है, तो आप में से कौन मुझे यहाँ पर फ्लाइंग किक करके दिखाएगा? आप जरा सा मुझे वो फ्लाइंग किक, सर को थोड़ा सा साइड में कर दें और मुझे भी थोड़ा साइड में कर दें। आप ये फ्लाइंग, नाज़िम ये देखें आप, ये असल में दो तीन किस्म के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कवरिंग मोशन बिल्कुल सिंपल आपको दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा ये किक ऐसी थी कि वो 6 फीट का बंदा भी उसके फेस पे जाकर हिट करेगी। जी वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं कि मुझे बाकायदा मैसेज आ रहे थे कि भाई हमें लड़कियों को भी ट्रेनिंग जिस तरह से दी जाती है वो भी दिखाया जाए, तो वो चीजें फुटेजेस आपको चलती हुई नजर आ रही होंगी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर हमारे साथ सदफ जो एसएसयू कमांडो हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि लड़कियाँ तो चूड़ियाँ पहनती हैं, एक तासुर होता है, मेहंदी लगाती हैं, यहाँ पे वो लड़कियाँ की हड्डियाँ भी तोड़ देंगी और पसलियाँ भी एक कर देंगी। सदफ अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? खैरियत से? यहाँ पे मैं बड़ा खुश हुआ आकर देखकर कि लड़कियां जिस तरह से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हैं, और जो किक मैंने अभी देखी, या अल्लाह अल्लाह बचाए आप लोगों की किक से, क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में जब हम ट्रेनिंग लेकर आते हैं तब तो ऐसे नहीं, जब यहाँ ट्रेनिंग पूरी ले लेते हैं, पूरी जब यहाँ से लेते हैं पहले इतनी स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर अब अलग से क्लासेस भी दी जा रही है मार्शल आर्ट की, तो और थोड़े फील होता है कि भाई अब लेडीज नहीं रहे, अब तो जो थी थोड़ी बहुत जो छुपी हुई थी वो भी नहीं रही, अब तो बस और स्ट्रांग अपने आप फील करते हैं। इवन कि आप बाहर जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई अब आप किसी को फेस कर सकते हैं। किसी को क्या, हर किसी को फेस कर सकते हैं आप? हर किसी को फेस कर, अच्छे अच्छों को फेस कर सकते हैं। कभी कभी मौका मिला अप्लाई करने का किसी की हड्डी पसली की? वो थोड़ा था, लेकिन बता देगा अगर है तो पैगाम दे दे जो लड़कियां आपको देख रही हैं। मारा था वो बेचारा हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच गया था? नहीं बस दो तीन जिंदा तो है ना? जी बिल्कुल। चले जी, नाज़िम खुशी की बात है कि वो जिंदा है, लेकिन आप छेड़खानी नहीं कर सकते यहाँ से ट्रेनिंग के बाद। खास बात यहाँ पर यह है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी एसएसयू ने एक स्पेशल प्रोग्राम निकाला कि एक दिन की ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, और इसी तरह अभी मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेनिंग कैसे होती है। यहाँ पर बॉक्सेस भी मौजूद है, मार्शल आर्ट्स की क्लासेस भी हो रही है, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी हो रही है। बड़ा मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए खुशी इस बात की हो रही है कि औरत के हवाले से जो बातें की जाती, जो तासुर दिया जाता था, वो तासुर यहाँ पर आकर दफन हो जाता है। सर मैं थोड़ा सा शूटिंग रेंज के हवाले से भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक बात नोट की यहाँ पर, जो आपके पास स्नाइपर शूटर्स हैं, जो कमांडोज हैं, उनके निशाने बड़े पक्के हैं, और मैं जब एंटर हो रहा था तो मैंने देखा कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के अंदर बाकायदा मेडल्स भी अचीव करके आए एसएसयू के कमांडोज। तो यहाँ पे जो शूटिंग रेंज, जो नाज़िम अभी आप फुटेजेस में भी देखेंगे, ये शूटिंग रेंज जो आपने इस वक्त यहाँ पर कायम किया हुआ है डिपार्टमेंट, यहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कमांडोज को डेली बेसिस पर? बिल्कुल, एक तो बेसिक ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि
कंप्लीट ट्रेनिंग सेंटर में होती है, फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो यहीं पे होती है। अच्छा, क्लास के अंदर हम उनको फर्दर टेक्निक्स बताते हैं। इसके अंदर दोनों स्मॉल आर्म्स हैं और जो बाकी लॉन्ग रेंज वेपन्स, वो हम उनकी उसकी रेंज अलग है, स्मॉल आर्म्स के लिए यहीं पे उनको हम ट्रेन करते हैं। उसमें उनकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग और फायरिंग की टेक्निक्स, क्योंकि अगर आपने फायर ज्यादा दिनों से ना किया हो तो आपका निशाना हो सकता है कि वक्त पे ना इतना बेहतर हो। ऐसा होता है तो कमांडो के लिए मस्ट है कि वो उस प्रैक्टिस में रहे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता मुश्किल वक्त हो तो उस चीज को बेहतर तौर पर रिस्पॉन्ड कर सके। तो हर कुछ दिनों के बाद उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर टेस्टिंग एक तरह से होती रहती है, रिक्रूट कराया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है। फिर उसके अलावा जो हमारी शूटिंग टीम है उनकी भी यहीं पर ट्रेनिंग होती है, ताकि वो आगे जो मुकाबले उनके हो रहे हैं उसमें हिस्सा ले सके। मैं भी चाहूंगा कि उस शूटिंग रेंज का मैं विजिट करूं और मैं भी निशाना देखूं कि सर कैसा निशाना है मेरा। बिल्कुल, आपको ना सिर्फ ये के विजिट कराएंगे बल्कि आपको निशानेबाजी की पहले तरबियत देंगे, वेपन हैंडलिंग बताएंगे, देन आप ट्राई कीजिएगा कि निशाना कैसा लगता है। सर नाजीन एक काम करते हैं कि जब सर ने कह दिया है कि शूटिंग रेंज पर चलते हैं तो शूटिंग रेंज का विजिट करते हैं, वहाँ पर पहले ट्रेनिंग लेंगे और फिर अपना निशाना भी मैं टेस्ट कर लूंगा कि कहाँ पर निशाने पर लगता भी है या चूक जाता है। आपने देखा कि ये शूटर ने कितना प्यारा जो है वो ये टारगेट अचीव किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर ये जाकर लगा है। शबीर साहब, ये इनकी ट्रेनिंग मैंने देखा कि बड़ा जबरदस्त यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है और इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन के अंदर भी ये मेडल्स ले चुके हैं, आपने बताया। तो ये यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा कमांडोज? जी बिल्कुल, यहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा जो हमारे नेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी जो आउटडोर शूटिंग रेंज है वहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है। सही, तो अब ये चारों शूटर्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, फीमेल शूटर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाज़िम बख्तावर हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी देखे ये शूटिंग रेंज के ऊपर, आपने देखा था कि ये टारगेट कितना खूबसूरत तरीके से अचीव किया। बख्तावर, तो ये कितना अरसा हो गया आपको ये शूटिंग करते हुए? मुझे 4 साल हो चुके हैं इस टीम का हिस्सा होते हुए, शूटिंग करते हुए, और जो है मैंने नेशनल लेवल पर भी कॉम्पिटिशन खेले हैं जिसमें मैंने मेडल्स भी अचीव किए हैं। तो टारगेट तो आपका बड़ा पक्का है भाई, ये प्रैक्टिस कराई जाती है यहाँ पे? बिल्कुल, ये प्रैक्टिस के साथ ही रोजाना प्रैक्टिस होती है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा हम और फीमेल्स को भी जो है ट्रेन कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के हमारे यहाँ पर आते हैं, हम उन्हें भी ट्रेन कर रहे हैं। एक और कमांडो हमारे साथ शाहिदा खान मौजूद हैं, इनका भी निशाना बड़ा पक्का है और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे बड़ा पक्का निशाना लगा है। क्या हाल है आपके? कितना टाइम हो गया शूटिंग करते हुए? 4 years हो गए, निशाना पक्का है वाकई? अल्हम्दुलिल्लाह, चूकता तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जैसे कि एक और कमांड होती है, उन्होंने भी बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है वो वेपन पकड़ा हुआ था, क्या तो यहाँ ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है? रोजाना की तो टाइमिंग होती है आप लोग? जी बिल्कुल, रोजाना की ट्रेनिंग होती है और हम यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं, ड्राई प्रैक्टिस हमारी बहुत ज्यादा होती है, तब जाके ये इम्प्रूव होते हैं। ये आप लोगों के लिए तो मतलब एक लोना सा लग रहा होगा, लेकिन इसको जब फायर करते हैं तो पता चलता है कि कैसे फायर होते हैं। आवाज ही इतनी ज्यादा थी। अब हमारे साथ अब्दुल्ला भी मौजूद है, अब्दुल्ला भी यहाँ पर जो है वो शूटिंग रेंज में हमारे जो है वो ट्रेनर हैं और बड़े बेहतरीन कमांडो, इनसे भी जानेंगे। अब्दुल्ला, आपकी भी मैंने शूटिंग रेंज के ऊपर जो है वो देखा, बड़ा पक्का निशाना है, वैसे ही माशाल्लाह हैंडसम से तुम कमांडो हो, क्या हो गया, कितना टाइम हो गया? मुझे 8 साल हो गए शूटिंग फील्ड के अंदर, प्रोफेशनल है मेरा प्रैक्टिकल शूटिंग का, इंटरनेशनल 4-5 कंट्रीज में खेल चुका हूँ, पार्टिसिपेट भी कर चुका हूँ और यहाँ पे स्पेशली जो हमारे यू सोल्जर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं ताकि फील्ड के अंदर उनका कोई निशाना जो है छूटे। शबीर साहब, ये सेफ्टी के हवाले से भी जानना चाहूँगा कि किस तरह से सेफ्टी रखी जाती है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़ा बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है। सर देखिए, दुनिया में हर जगह जब भी आप रेंज पर जाते हैं तो वहाँ कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और इंटरनेशनली 4 बेसिक सेफ्टी रूल्स हैं जो कि हम यहाँ भी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनीज हैं, उन्हें उन चीज़ के बारे में बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर शिफ्ट रूल्स आपको मालूम है और आपके माइंड में है तो इंशाल्लाह कोई भी एक्सीडेंटल ये मिसहैप आपसे नहीं होगा। ठीक है, उसमें नंबर 1 जो है हम कह रहे हैं जी वेपन अवेयरनेस, ऑलवेज ट्रीट योर वेपन एज अ लोडेड वेपन। नंबर 2, नेवर एवर पॉइंट योर वेपन टू एनीबॉडी, किसी को आप इवन खाली वेपन भी हो तो आप लोग पॉइंट नहीं कर। ठीक है, सीरियस वॉलेशन। नंबर 3 हम कहते हैं कि जी इंडेक्स फिंगर जो है आपकी वो ट्रिगर गार्ड से बाहर होनी चाहिए अनलेस कि आप रेडी फायर के लिए हो जाए, अपना वेपन एम कर लें उसके बाद आप फायर करें। और नंबर 4 पे टारगेट अवेयरनेस,
आपको अपने टारगेट के बारे में क्लियर होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, उसके पीछे क्या है, फ्रंट पे क्या है, लेफ्ट एंड राइट क्या है, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली आप अपने टारगेट को ही शूट करें, किसी और को डैमेज ना करें। सही, इन चारों रूल्स को और एसओपीज को फॉलो करते हुए मैं भी कोशिश करूंगा कि फायर किया जाए। नाज़रीन, आपने देखा कि निशाना इतना बुरा भी नहीं था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, वो मुझे बाद में बताया गया कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया था इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, बाकी इतना बुरा निशाना नहीं था। सर बड़ा मुझे मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया और एक फीलिंग आई, प्रोटेक्ट फील किया जब मैंने वेपन को चलाया, और ट्रेनिंग जिस तरह से देते हैं तो ऑब्वियसली कमांडोज भी उसको फॉलो करते हैं और आपके कमांडोज के निशाने ही बड़े अच्छे हैं। शॉट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, स्पेशली मुझे हमेशा जहाँ पर जब भी यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो मैं सुनता हूँ कि शॉट के हवाले से अगर आपने कोई ब्रीफिंग नहीं ली तो आप एसएससी हेडक्वार्टर में आने का फायदा नहीं है, ये क्या स्पेशली है, क्या इसकी एब्रिविएशन क्या है? जी, SWAT जो है इट इज बेसिकली स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स, SWAT, ठीक है। SWAT जो है वो अर्बन काउंटर टेररिज्म वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है कि बाहर के मुल्कों में आप जहाँ भी जाते हैं, चाहे उनका जितना भी छोटा डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट या बड़ा हो, हर एक का एक SWAT का यूनिट होता है जो कि नॉर्मल पुलिसिंग के हट के हर वक्त तैयार रहता है, उनके इक्विपमेंट्स के नेक्स्ट लेवल की उनकी तैयारी होती है, उनके इक्विपमेंट में उनकी जो रेगुलर पुलिसिंग है उससे नेक्स्ट वर्जन के इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग स्पेशलाइज होती है, वो कमांडोज होते हैं और जो कि डिफरेंट सिचुएशंस पे उनकी ब्रीफिंग की होती है कि खुदा ना खास्ता अगर सूरत हाल हाथ से निकल जाए आपने कैसे लोकल पुलिस की और पब्लिक की मदद करनी है। तो SWAT कराची के अंदर SSU ने इंट्रोड्यूस कराया है और इसका मकसद ये है कि अगर कोई किसी किस्म का टेररिज्म का कोई अटैक हो, खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई ऐसी चीज़ हो जो कि लोकल पुलिस के बस से बाहर है, तो ये वहाँ पे जाते हैं। सही। और इसके अलावा अगर कोई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हो जिसमें कि इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन जो हम करते रहते हैं उसमें ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मदद करते हैं। सही। और क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को पकड़ते हैं, तो ये एक पूरी दुनिया का एक सेट कॉन्सेप्ट है जो पहले पाकिस्तान में नहीं था, जिसको सिंध पुलिस ने कराची में थ्रू SSU इंट्रोड्यूस कराया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त स्केटिंग करते हुए पूरी परफॉर्मेंस दिखाई गई कि कैसे टारगेट अचीव करना है, कैसे जो लोग हैं जो कल्प्रिट्स होते हैं या फिर मुजामत करते हैं उनको किस तरह से नी डाउन किया जाता है और नॉक डाउन किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ कमांडो मौजूद हैं मुदस्सिर। मुदस्सिर क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया, बताएं कैसे हैं आप? मैं बड़ा इंप्रेस हुआ आपकी इस परफॉर्मेंस से, ये पहले तो मुझे इसके बारे में था, स्पेशली क्या कहलाता है ये रोलर स्केटिंग? होती है इनलाइन स्पीड स्केटिंग है, इसमें ये होता है कि काफ़ी कंट्रीज में स्केटिंग की SSU के अंदर मैं लाना चाह रहा हूँ, स्केटिंग की जिन्हें टीम वगैरह बनाई जाए, हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, अपने जो हमारे इंस्ट्रक्टर वगैरह हैं हम उनको भी ट्रेन कर रहे हैं कि ताकि जो ना वो भी कुछ कर सकें। और तो अभी आप वाहिद यहाँ पर ऐसे जो स्केटिंग करते हुए वेपन हैंडल कर सकते हैं? जी जी, वाहिद मैं हूँ और बाकी और भी एक दो प्लेयर हैं जिनको अभी ट्रेन भी दी जा रही है, काफ़ी बेहतर हो गए वो इंशाल्लाह, और भी आगे इंशाल्लाह और ट्रेन हो जाएंगे। और दूसरा मैं खुद इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, पाकिस्तानी टीम में इंशाल्लाह खेला हूँ मैं अभी, और आगे इवेंट्स वगैरह भी हमारे हैं जहाँ हम लोग अभी जाएंगे SSU की तरफ से, इंशाल्लाह खेलेंगे इवेंट्स। सही, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो हमें परफॉर्मेंस दिखाई, तो ये करते हुए डर नहीं लगता, बैलेंस पक्का होता है आपका, जैसे वेपन कैरी करना 17 kg जो है वो आपने वैसी वेयर किया हुआ, उसके ऊपर स्केटिंग करते हुए टारगेट अचीव करना? नहीं नहीं, इसमें ये कि ट्रेनिंग होती है बेसिक से हमें सिखाई जाती है, ट्रेनिंग इस तरह से ये स्टेप्स वगैरह किए जाते हैं जिसकी वजह से जो है कोई मतलब इशू वगैरह नहीं होता, प्रॉब्लम कोई भी नहीं होता, बहुत अच्छा है। सेफ्टी किट्स कम्प्लीट होनी चाहिए, इसे ये कि इंजर्ड वगैरह ना हो, गुंजाइश कम रह चुकी है, बल्कि गुंजाइश है ही नहीं इस वक्त, लेकिन दिल नहीं चाह रहा यहाँ से उठने का और यहाँ से जाने का। मैं चाहूंगा कि आखिर में पाकिस्तान शहरियों के हवाले से और SSU के हवाले से और जो भी आप फराइज इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं उसके बारे में चाहूंगा कि दो लाइन के अंदर इस प्रोग्राम की एंडिंग करें हम और आपके मैं लोकल बात चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कमांडो यूनिफॉर्म पहना, आप स्मार्ट लग रहे हैं,
और आपकी पूरी टीम ने बड़ी अच्छी फट की हमारी काबिशों को दिखाने के लिए, नाजरीन के लिए। मेरा बस ये एक मैसेज है अपनी पब्लिक के लिए कि आजकल के जो लॉ इन्फोर्समेंट के चैलेंजेस हैं उसके लिए सिंध पुलिस बल्कि पूरी पाकिस्तान पुलिस हर वक्त तैयार है। अगर किसी भी किस्म का कोई पब्लिक को इशू है, किसी किस्म की मदद चाहिए तो 15 पे कॉल कर सकते हैं। 15 24/7 आपकी मदद को तैयार है। और 15 पे ना सिर्फ पुलिस की मदद आप ले सकते हैं बल्कि मेडिकल और फायर इमरजेंसी के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल एतमाद के साथ आप अपने प्रोटेक्टर्स जो हैं, जो सिंध पुलिस है, SSU है, उनको कॉल कर सकते हैं। हम हर वक्त आपकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। और नाज़रीन, इसी के साथ अब मैं चाहूँगा कि मैं बाहर जाऊँ और कुछ कमांडोज वहाँ मेरे साथ खड़े होंगे। और एक जज्बा होता है ना, जैसे मैं बकू साहब ने बताया कि इस वर्दी को शेर की खाल समझकर पहना जाता है, तो ऑब्वियसली ये हमारी जो ये वर्दी है, जो ये यूनिफॉर्म है, ऑब्वियसली ये हमारी शान है और इसी में हमारी आन है। और जितने भी यूनिफॉर्म्स हैं, किसी एक यूनिफॉर्म को मैं जो है वो नहीं बताना चाह रहा, स्पेशली जितने भी यूनिफॉर्म्स हैं और जितने भी हमारे जवान हैं, जितने भी हमारे कमांडोज हैं, उन सबको हम सैल्यूट पेश करते हैं। और इसी तरह वो मुल्क का फख्र है और मुल्क की शान बने रहे। कमांड एंड कंट्रोल बस के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के इंचार्ज फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बड़े बेहतरीन किस्म के मैंने आपके इक्विपमेंट्स देखे तमाम SSU डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब ये जो कमांड एंड कंट्रोल बस है, इसके आप इंचार्ज, मैं चाहूँगा थोड़ी सी इसकी ब्रीफिंग दें, ये कैसे काम करती है, कैसे इसको फंक्शनलाइज किया जाता है, किस काम के लिए, किस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया है? ये बेसिकली SSU की मोबाइल कमांड पोस्ट है। ये हमारे DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विस डिवीज़न जनाब मकसूद साहब की सरबराही में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हम जिसमें हमने इस बस को यहाँ लोकली डिज़ाइन किया है एज़ पर द पैटर्न ऑफ जो FBI की मोबाइल कमांड पोस्ट होती हैं। इसको यूज़ किया जाता है कोई भी स्पेशल ऑपरेशन हमने कंडक्ट करना होता है तो इस बस को वहाँ पर मूव करते हैं। आप जैसे आपका कैमरा मैन अगर दिखाएँ तो ये इसमें मास कैमराज लगे हुए हैं, ये वर्टिकली टू हॉरिजेंटली अपवर्ड जाते हैं और ये 1.5 किलोमीटर के सराउंडिंग को कैप्चर करते हैं। अब ये फ्रंट का तकरीबन ये 1 किलोमीटर की दूर की ये बिल्डिंग है, इसके रूफ टॉप्स हम यहाँ से बैठकर देख सकते हैं और उसमें पूरी सर्विलेंस कर सकते हैं। प्लस फिर इसमें ड्रोन इंटरेक्ट हो जाता है तो हम बर्ड्स आई व्यू पे, लाइव व्यू पे भी देख सकते हैं और हम टोटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी जगह पे अगर ऑपरेशन है। अच्छा, ये किन किन ऑपरेशन में यूज़ की जाती है? वेरियस स्पेशल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, तो उनमें इस बस को यूज़ किया जाता है। अच्छा, मैं चाहूँगा जैसे आपने ये दिखाया कि मॉनिटरिंग हो रही है अंदर बस के अंदर, और क्या क्या जो है वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, यहाँ एक गेट भी लगा हुआ है। जी बिल्कुल, आप प्लीज़ आइए, आपको अंदर का एरिया भी व्यू करवाते हैं। नाज़रीन, आप ये देखें कि ये बस का दूसरा जो है वो ये आगे का हिस्सा है और यहाँ पे ये जानेंगे क्या कौन सी जगह है। ये फैसल साहब, ये क्या जगह है? ये बेसिकली ऑफिसर्स एरिया है। यहाँ पे सारी जो हमारा स्टाफ अपने कंपार्टमेंट में इसकी सर्विलेंस कर रहा होता है और फिर ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और यहीं से फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। अच्छा, ये लाइव ड्रोन की पूरी फुटेज आ रही है हमारे पास? जी एग्जैक्टली, ये अभी आप देख रहे हैं ये लाइव व्यू है हमारे बर्ड्स आई व्यू लाइव ड्रोन का। अब किसी भी ऑपरेशन पे हम अगर जाते हैं तो इसी तरह वो लाइव ड्रोन फ्लाई हो रहा होता है और फिर हम उस इलाके की जो भी सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या, मिसाल के तौर पर अगर इस रोड से फायरिंग हो रही है या किसी बिल्डिंग पे कोई बैठा हुआ है तो हम टोटली अंडरस्टैंड करके फिर वहाँ के अपने जो हमारे ट्रूप्स होते हैं उनको फिर हम यहीं से अलर्ट करवा सकते हैं और कमांड कर सकते हैं कि अंडरस्टैंड करके क्या लोकेशन। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये लाइव ड्रोन के साथ भी ये जो कमांड एंड कंट्रोल बस है ये कनेक्टेड है और ये ऑफिसर्स के बैठने की जगह, या ऑफिसर जब कोई ऑपरेशन हो रहा होता है किसी भी एरिया के अंदर तो ये मॉनिटर कर रहे होते हैं, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। और आगे इस बस के अगर अगले हिस्से में जाना चाहें तो वहाँ पर किचन है और ऑब्वियसली वो वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं। ये मेन जगह है, यहाँ से बैठ कर तमाम कमांड्स दी जाती हैं, तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। और ये वो स्क्रीन है कि जहाँ पर तमाम फुटेजेज आएंगी बस के ऊपर, 360 एंगल का जो कैमरा लगा हुआ है और साथ साथ जो ड्रोन की जितनी भी हाइट पर ड्रोन जाता है और वहां से आप देखें बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट फुटेज यहां पर आ रही है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पूरा एपिसोड यहाँ पे दिखाया, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और सिंध पुलिस का ये डिपार्टमेंट और बड़े बेहतरीन यहाँ पर कमांडोज हमारे दरमियान मौजूद हैं और जिस तरह से ये अपनी जान की परवाह किए बगैर और पूरी पाकिस्तानी
जो शहरी हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और ये कमांडोज किसी दुनिया में किसी भी फोर्स से कम नहीं है, आज इस बात का अंदाजा हो गया। और ये मेरे अकब में तमाम कमांडोज, तमाम पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान इस वक्त मेरे अकब में खड़े हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि आखिरी कलमात अदा करते हुए, जिस तरह से मैं आपसे रुख्सत के लिए इजाजत चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन ये कमांडोज और मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये खुद सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ इस पूरी सिंध पुलिस को और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को, SSU को, और साथ साथ मैं एक नारा भी लगाऊंगा, उसके बाद इख्तिताम की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान सिंध पुलिस SSU। इसी के साथ अपने मेजबान बिलाल खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।